हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ओरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपके लिए नरेट करूंगा द कंट्री हाउस, जो लिखा है जॉन गार्ल्सवर्दी ने। ये फिक्शन पब्लिश हुआ था 1907 में। आपको पता है कि जो कट्टरता होती है या रूढ़ियां होती हैं या बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं जिस पर समाज बाउंड हो जाता है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा, वो ना लोअर क्लास में पाई जाती हैं ना वो अपर क्लास में पाई जाती हैं, वो ज़्यादातर अपर मिडिल क्लास में पाई जाती हैं, यानी उन लोगों के बीच जो आपके आसपास के ना अमीर लोग हैं। एक तो अमीर वो है जो हमसे बहुत दूर रह रहे हैं, वो सलमान खान शाहरुख खान टाइप वाले, ठीक है। एक वो है जो आसपास हमारे अमीर हैं, उनके अंदर रूढ़ियाँ, उनके अंदर कट्टरपन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसी कट्टरपन पर जॉन गार्ल्सवर्दी ने कटाक्ष किया है। जॉन गार्ल्सवर्दी अपने ज़्यादातर स्टोरीज प्लेज में उन्हीं अपर मिडिल क्लास फैमिलीज को रखा करते थे अपने केंद्र बिंदु में, क्योंकि वो खुद उसी क्लास से बिलोंग करते थे। उन्हें पता था कि वो क्लास किन सारी चीज़ों से जूझ रही है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल हमें इंडिया में भी मिलता है। ऐसा नहीं कि अच्छा कंटेंट सिर्फ विदेशों में लिखा गया है। इंडिया में एक राइटर रहे हैं हरिशंकर परसाई, तो उनकी कहानी मुझे याद आती है। उस कहानी में दो अलग अलग कास्ट के लड़के लड़की को आपस में प्यार हो जाता है, तो कुछ लोग जाकर समझाते हैं दोनों परिवारों को कि दोनों की शादी करा दो, क्योंकि अगर वो शादी नहीं करेंगे तो छुप छुप कर मिलेंगे और व्यभिचार करेंगे, वो एक गुनाह हो जाएगा। तो दोनों के माँ बाप कहते हैं कि व्यभिचार करना जाति को ख़त्म नहीं करता है, लेकिन अगर हमें शादी करते तो जाति ख़त्म हो जाएगी। तो ये अपर मिडिल क्लास फैमिली की मेंटालिटी है, वो अपनी रूढ़ियों से, अपनी बाउंडेशन से बाहर नहीं निकलना चाहता। और अगर उनका बच्चा कभी कास्ट से हटकर, क्रीड से हटकर, रेस से हटकर शादी करने की सोचता है या कोई फैसला ऐसा लेता है जो उनकी रूढ़ियों के खिलाफ है, तो वो अपने बच्चे को किस तरह से रोकते हैं, वो कहानी द कंट्री हाउस में दिखाई गई है। आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। नरेशन को सुनिए और नरेशन के बाद मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा, उनके जवाब ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नरेशन के बाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। '91 के पतझड़ में हॉरेस पेंडिस अपने कंट्री एस्टेट वॉस्टीड स्कीन्स में बहुत से मेहमानों को दावत पर इनवाइट करते हैं। इस दावत में पहले तो शिकार होगा, फिर उस शिकार किए गए मीट की दावत होगी। वॉस्टीड स्कीन्स में बहुत ही थोड़ा बहुत चेंज हुआ है जब से हॉरेस पेंडिस के ग्रेट 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 ग्रैंडफादर की डेथ हुई है। अब हॉरेस पेंडिस इस घर के हेड हैं और वो इतने कंजर्वेटिव यानी रूढ़ीवादी हैं कि उनके पूरे परिवार को उनकी घिसी पिटी रूढ़ियों पर चलना ही पड़ता है। जॉन गार्ल्सवर्दी हॉरेस पेंडिस से 19th सेंचुरी के उस समाज का आईना दिखाना चाहते थे जो पॉलिटिकली और सोशली बहुत कट्टर और रूढ़ीवादी था। इस पार्टी में हॉरेस पेंडिस और उनकी पत्नी मार्गरी पेंडिस के बड़े बेटे जॉर्ज पेंडिस भी शामिल हैं। जॉर्ज एक लापरवाह लड़का है और वॉस्टीड स्कीन्स का वारिस है। जॉर्ज अपना ज़्यादातर समय लंदन में बिताता है। उसे हॉर्स रेसिंग का शौक चढ़ा है। उसने एक घोड़ा खरीद लिया है जिसे वो रेसिंग के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। पार्टी में मिसेज हेलन बैल्यू भी शामिल हैं जो कैप्टन जैस्पर बैल्यू की बीवी हैं। लेकिन मिसेज हेलन अब अपने पति जैस्पर से बोर हो गई हैं और आजकल जॉर्ज के साथ काफ़ी दिखती हैं। वो बेहद ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव हैं। उस समय गांव की सोसाइटी में हस्बैंड और वाइफ का अलग हो जाना बेहद ही बुरा माना जाता था और एक शादीशुदा औरत का यूँ किसी कुंवारे लड़के के साथ घूमना फिरना क्रिटिसिज्म का कारण बनता था। इस पार्टी में डांस के दौरान, जो मिसेस पेंडिस ने ऑर्गेनाइज करवाया था डांस, उस डांस के दौरान जॉर्ज और हेलन किस करते हैं और इन्हें पैशनेटली किस करते हुए देख लेते हैं द रेवरेंड हसल बार्टर। ये एक टिपिकल पादरी हैं और मिस्टर हॉरेस पेंडिस से कहीं ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं। जब वो जॉर्ज और हेलन को किस करता हुआ देखते हैं तो वो इसे अपनी क्रिश्चियन ड्यूटी समझते हैं कि हेलन के हस्बैंड जैस्पर बैल्यू को ये बात बताई जाए। कुछ हफ्तों बाद मिसेस पेंडिस के कज़िन ग्रेगरी विजिल उनसे मिलने आते हैं।
ग्रेगरी विजिल हेलन बेल्यू के गार्जियन यानी संरक्षक हैं और हेलन से प्यार भी करते हैं। ग्रेगरी विजिल डिसाइड करता है कि हेलन की लाइफ अपने पति के साथ इनटॉलरेबल है और इस शादी को और लंबा नहीं खींचा जा सकता। अपनी कज़िन मिसेस पेंडिस से इस मामले में सलाह लेकर विजिल खुद बिना हेलन से पूछे या उसे बताए एक वकील के पास जाता है हेलन की तलाक कराने। विजिल को हेलन और जॉर्ज की रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं पता है। विजिल का वकील एडमंड पैरामोर विजिल को तलाक की अर्जी ना देने की सलाह देता है। वो कहता है कि हेलन के पास तलाक लेने के लिए एक वाजिब रीज़न होना चाहिए, सिर्फ अपने पति से बोर हो जाना तलाक का कारण नहीं बन सकता। दूसरा, तलाक लेना हमेशा पब्लिक हो जाता है और पेनफुल होता है। हेलन पर एडल्ट्री का भी चार्ज बन सकता था क्योंकि वो शादीशुदा होने के बावजूद जॉर्ज के साथ रिलेशनशिप में थी। खैर, प्यार में पागल विजिल तलाक की अर्जी देने के लिए तैयार हो जाता है। मिसेस पेंडिस को एहसास है कि अगर हेलन का तलाक हुआ तो विजिल से तो वो शादी नहीं करेगी, उनके बेटे जॉर्ज से तो ज़रूर करेगी, जो वो नहीं चाहती। मिसेस पेंडिस पादरी हसल बाटर के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि पार्टी में जो कुछ तुमने देखा तुमने मुझे तो बता दिया, लेकिन जैस्पर बेल्यू को ना बताना वरना वो अपनी बीवी को तलाक दे देगा, जो जॉर्ज के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन हसल बाटर को लगता है कि गलत कैप्टन जैस्पर बेल्यू के साथ हुआ है और ये उनकी क्रिश्चियन ड्यूटी है कि वो उनकी बीवी की हरकत उन्हें बताए। जब ये बात हसल बाटर कैप्टन जैस्पर बेल्यू को बताते हैं तो वो विजिल से पहले ही तलाक की अर्जी दे देते हैं। दूसरी तरफ जॉर्ज पेंडिस पूरी तरह हेलन बेल्यू के प्यार में पागल हो जाता है। जॉर्ज को लगता है कि वो हेलन के बिना अब जिंदगी नहीं गुजार पाएगा। जॉर्ज कहता है कि उसे परवाह नहीं कि उसकी इज्जत या नाम इस डाइवोर्स केस में मिट्टी में मिल जाएं, लेकिन वो हेलन के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। इसी के साथ साथ जॉर्ज बहुत बड़े कर्जे में भी डूब गया है। घोड़ों पर जुआ खेलते खेलते उसने अपने ऊपर एक मोटा कर्ज चढ़ा लिया है। इन दोनों बातों ने रूढ़िवादी मिस्टर हॉरेस पेंडिस को भड़का दिया है। मिस्टर पेंडिस गुस्से में दांत भींचते हुए कहते हैं कि कोई भी पेंडिस आज तक जुआ नहीं खेला, ना ही कोई पेंडिस आज तक डाइवोर्स मुकदमे में फंसा है। आखिरकार जॉर्ज ने जुए में अपने सारे पैसे गवा दिए। उधार चुकाने के लिए उसे अपना घोड़ा बेचना पड़ा। मुकदमे में उसका नाम भी आया कि हेलन का जॉर्ज के साथ लव अफेयर है। आखिरकार मिस्टर पेंडिस का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने एक्शन लेने की सोची। वो अपनी प्रॉपर्टी एस्टेट हेरिटेज को लापरवाह जॉर्ज के हाथों में सौंप कर उसके खानदान की इज्जत तार तार नहीं करने दे सकता था। मिस्टर पेंडिस अपने बेटे जॉर्ज को अपनी संपत्ति से बेदखल करने का प्लान बनाते हैं। अगर जॉर्ज हेलन को छोड़ने पर राजी हो जाता है तो वो उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं करेंगे। कैप्टन जैस्पर बेल्यू भी एक दिन मिस्टर पेंडिस के पास आकर ये वादा करके गए थे कि अगर जॉर्ज उनकी बीवी से दूर रहने का वादा करता है तो वो केस वापस ले लेंगे, लेकिन जॉर्ज हेलन को छोड़ने से मना कर देता है। वहीं मिसेस पेंडिस अपने पति के इस फैसले से बहुत नाराज हैं। मिसेस पेंडिस बहुत ही टेंडर और सिंपैथेटिक हैं। दूसरा, जॉर्ज उनका पहला बच्चा है। मिसेस पेंडिस अपने पति मिस्टर पेंडिस को धमकी देते हुए कहती हैं कि अगर तुमने ये फैसला लिया तो मैं घर छोड़ दूंगी, लेकिन मिस्टर पेंडिस अपने बेटे को संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। मिसेस पेंडिस ऐसा ही करती हैं, वो घर छोड़ देती हैं। अपने आप थोड़ा बहुत कमाई करती हैं, इतनी लग्जरी तो नहीं है जैसी उन्हें वॉस्टेड स्किन्स में मिलती थी, लेकिन कम्फर्ट हैं। मिसेस पेंडिस पहले लंदन जाती हैं जॉर्ज को ढूंढने और उसे अपने पापा की सारी शर्तों को मानने के लिए राज़ी करती हैं, लेकिन जॉर्ज मना कर देता है। थक हार कर मिसेस पेंडिस हेलन बेल्यू के पास जाती हैं कि वही उनके बेटे का पीछा छोड़ दे। बातचीत में पता चलता है कि हेलन जॉर्ज से वैसी ही बोर हो गई है जैसे वो अपने पति कैप्टन जैस्पर बेल्यू से हो गई थी। हेलन खुद चाहती है कि वो कभी दोबारा जॉर्ज से ना मिले। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर पेंडिस अपनी बीवी के घर छोड़ने से बहुत अपसेट थे।
बीवी का घर से चले जाना उनके ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स के बिल्कुल ही खिलाफ था। लेकिन एक दिन मिसेस पेंडिस घर वापस लौट आती हैं। मिस्टर पेंडिस राहत की सांस लेते हैं। मिस्टर पेंडिस इतने घमंडी थे कि वो खुद कैप्टन जैस्पर बेल्यू को पत्र लिखकर या जाकर ये नहीं बता सकते थे कि उन्होंने अपने बेटे को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है और वो अब मुकदमा वापस ले ले, वरना उनके खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये जिम्मेदारी भी मिसेस पेंडिस लेती हैं और वो जैस्पर बेल्यू के पास जाकर उनसे केस वापस लेने की गुहार लगाती हैं। वैसे भी जैस्पर बेल्यू ने केस सेल्फ डिफेंस के लिए किया था और वो हेलन को खोना भी नहीं चाहते थे, वो केस वापस ले लेते हैं। इस तरह पेंडिस खानदान, कंट्री हाउस, पूरा सामाजिक ताना बाना बच जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको नरेशन समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से सब कुछ बच गया, जो रीति रिवाज थे वो सब अभी भी ऐसे ही हैं और आखिरकार पूरा परिवार कामयाब रहा अपने बच्चों को वो काम करने ना देने से जिससे उनकी रूढ़ियां या उनके फैसले, उनके रीति रिवाज पर खतरा हो सकता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चार काम जरूर करिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। बाय। Thank you.